हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक गाड़ी का एक्सीलेटर पैडल है। देखिए, ये हमारे पास टाटा का टैगो, जिसका एक्सीलेटर पैडल में एरर आ रहा है। और हमने जब इसको खोला तो इसके अंदर ये पानी निकला फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हवा आने से जमा होने के बाद जैसे ऑक्सीजन से पानी जमा होता है, वैसा हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए, तो ये टैगो है और इसका एरर आ रहा था एक्सीलेटर पैडल। एरर टेम्पोररी रहता था, कंफर्म नहीं रहता था, क्योंकि बीच बीच में लाइट लगता था और जाता था और इसको झटका लगता था, बंद चालू वैसा। ये देखिए, इसके अंदर तो इधर दिख रहा है आपको, ये पूरा पानी जमा हो गया है, तो ये सर्कुलेट नहीं करेगा। ये देखिए, ये दूसरा पार्ट है, इसके अंदर भी वैसा चुभा है। ये देखिए, आपको पानी दिखेगा, ये सब पानी है यहाँ पे। इसको थोड़ा हम साफ़ करके लेंगे। इसको कैसे साफ़ करना है, क्योंकि आपका भी एरर आता रहेगा, या फिर आप एक्सीलेटर का खोल के क्लीनिंग करते रहेंगे, तो कुछ नहीं करना है, खोल के उसको प्यार से हाथ लगाना है, क्योंकि इसके अंदर इसको ज़्यादा पेपर भी पर नहीं मारना है, याद रखिए, नहीं तो इसको ज़ोर से पेपर मारेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा मदरबोर्ड। इसको क्या करना है, कपड़े से पोंछ के इलेक्ट्रिक स्प्रे जो रहता है, नहीं तो जैसा थिनर टाइप रहता है, उससे आप पेट्रोल से साफ़ कर सकते हैं इसे, क्योंकि बाकी रस्ट स्प्रे है वो भी चलेगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्लीनिंग करके लेंगे। इसको पहले तो हवा मार के लेंगे पूरी तरह से, फिर उसके बाद से एक स्प्रे मारेंगे, वो स्प्रे मार के फिर साफ़ करेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि ऐसा रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका एरर आता रहेगा, गाड़ी झटके देगा, नहीं तो रेस नहीं होगा, नहीं तो एक्सीलेटर पैडल बीच बीच में छोड़ देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए, मैंने इसको छुट्टा किया है, इसको चार स्क्रू है यहाँ पे, इजी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा बैठता है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके इतना चार स्क्रू है, ये चार स्क्रू इसमें बैठते हैं, मैंने इतना खोला है। इसको खोल के हम लोग अभी इसको हवा मार के लेंगे, इसको साफ करेंगे, हवा मार के लेंगे फ्रेंड। फ्रेंड्स, ये देखो, हमने हवा मारा, अब इसके अंदर पूरा क्लीन हो गया, पानी कुछ नहीं इसके अंदर। हवा भी ज़ोर से नहीं मारा है फ्रेंड्स, एकदम प्यार से मारना, नहीं तो अंदर के पार्ट उड़ के जाएंगे, नहीं तो बेंड हो जाएंगे। प्यार से मारा है और पानी निकल गया इसके अंदर से। देखिए, दोनों के अंदर से पानी नहीं है अभी, बिल्कुल एकदम क्लीन हुआ है। अब इसको आप स्प्रे मार के लगा देंगे, इस पर पेपर वेपर मत मारिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस रहता है, वो रेजिस्टेंस अगर ख़राब हो गया तो आपका एक्सीलेटर क्या हो जाएगा, सडनली धीरे धीरे रेस नहीं होएगा, सडनली रेस होएगा, नहीं तो छोड़ देगा। इसके ऊपर पेपर नहीं मारना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर पेपर मार के इसको ख़राब कर देते हैं, याद रखिए। और ये प्रॉब्लम आपको गाड़ी में भी आता रहेगा एक्सीलेटर पैडल का, तो ये खोल के चेक करो, साफ़ करो, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट इसको बोलते हैं एक्सीलेटर पैडल में प्रॉब्लम है, चेंज कर देंगे, डायरेक्ट कस्टमर को बोलते चेंज करना पड़ेगा और चेंज कर देते। लेकिन आपको अगर खोल के रिपेयर करना है तो ऐसे साफ़ कर सकते हैं, अगर इधर कुछ गंदा विंदा है तो उतना कीजिए, नहीं तो जैसे कि ये देखिए पट्टी बिट्टी निकला है ऊपर, वो ध्यान देना है, ये शोल्डरिंग निकला है क्या, वो भी ध्यान देना है आपको, बस इतना चाहिए। अब इसको हम लोग स्प्रे मारेंगे, ये मेरे पास क्लीनर है, ये वाला,
थ्रोटल बॉडी का, जो कि एक थिनर का काम करता है। ज़्यादा नहीं मारना है, थोड़ा सा, पूरा रस्ट क्लीन हो जाएगा और जगह पे भी सूख जाएगा ये। देखिए इसको अभी का भी सूख जाएगा, क्योंकि जो हमने पानी पानी था अंदर, वो पानी को सूखा देगा ये। देखिए अभी गीला दिख रहा है, ये सूख जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्प्रे है, फिर करंट फ्लो अच्छा होएगा। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने स्प्रे मार के बाद, स्प्रे मारने के बाद भी पूरा इसको सुखा दिया है। ये देखिए, क्योंकि जो स्प्रे मैंने मारा वो इलेक्ट्रिक टाइप है, वो सूख जाता है थोड़ी देर के बाद। फिर हम लोग अभी इसको फिटिंग करेंगे, कुछ नहीं, फिटिंग में इजी है। ये देखिए, ये जो है ये रिंग, देखना है रिंग बैठा है कि नहीं, तो वापस से क्योंकि पानी भी नहीं जाएगा अंदर। ये देखिए, ये ऐसा ही फिटिंग करना है, मैं स्क्रू लगाता हूँ इसको। दोस्तों ये हमने जोड़ दिया है, ये हो गया। आपका गाड़ी का भी प्रॉब्लम रहे तो आप कर सकते हैं, आप मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिशियन हो, वायरमैन हो, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं रिपेयरिंग। ये हो गया हमारा, अभी हम गाड़ी को लगा देंगे, फिर प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और फ्रेंड्स, और भी कोई नए टॉपिक पे नए वीडियो चाहिए, जो मैं प्रॉब्लम के साथ मैं आपको उसको सॉल्यूशन के साथ वीडियो बनाऊं और आपको अपलोड करूं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आपको और जो भी पूछना है सवाल, तो कमेंट बॉक्स में आना फ्रेंड्स, और वहाँ पर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपके लिए नए नए वीडियो मैं लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।